नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसजी न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। हमारे खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सबका स्वागत है। बोलिए नेताजी में हम आपकी बात कराते हैं, आपसे जुड़े जो भी प्रतिनिधित्व हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे उनका हालचाल जानते हैं। लॉकडाउन के समय में वो प्रतिनिधि नेताजी क्या कुछ कर रहे हैं आपके लिए, उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कटिहार से एमपी हैं तारकेश्वर जी, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। उनसे जानते हैं हम कि कैसा एमएलए हैं, कैसा उनका वक्त चल रहा है लॉकडाउन में। सर बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, बोलिए नेताजी में। जी आवाज आ रही है आपको? कैसा चल रहा है लॉकडाउन में वक्त, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि लॉकडाउन में क्या कुछ कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। देखिए, लॉकडाउन के कारण हमारे ऐसे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है जी, क्योंकि आम आदमी कई प्रकार की कठिनाइयों को भी महसूस कर रहे हैं जी। और जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं उन्हें नित्य भोजन के भी आवश्यकता है, उसका भी प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। हमारे स्वयंसेवी संगठन लगे हुए हैं और जो कई प्रकार की कठिनाइयां हैं, किन्हीं को बाहर जाना है, हमारे राज्य के बाहर कटिहार जिले के हजारों की संख्या में मजदूर हैं, कोटा में छात्र हैं, तो उनकी जो कठिनाइयां हैं उनको सुनकर फिर जिला प्रशासन से या राज्य के प्रशासन से उनकी समस्याओं का निदान कराना, ये सारी कई चीजें हैं जो लगातार हम सबों को करना पड़ता है। और मुझे तो लगता है कि हम सबों का जो लॉकडाउन के पूर्व का जो जीवन था, उसके बाद हम पर काम की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उन जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निर्वहन करें। यानी कि साफ तौर पर आप सभी उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो इस वक्त मूलभूत सुविधाएं हैं। सर आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, मुझे जहां तक पता है कि आप साफ तौर पर विचारक के तौर पर भी रहे हैं और बहुत दिनों से आप जो है भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अब चलिए आपने जो जवाब दिया कि कोटा में फंसे जो भी मजदूर हैं या फिर जो भी विद्यार्थी हैं उन पर आप लोग उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त आप राज्य में जो कुछ भी हो रहा है, मैं धीरे धीरे उस पर आऊंगा, लेकिन राज्य में जिस तरह से इस वक्त हो रहा है कोटा मामले पर, तो सरकार पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया कोटा फैसले में, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसके कारण बिहार सरकार कठिनाई महसूस कर रहा था और बिहार सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन कठिनाइयों को गृह मंत्रालय के सामने, माननीय प्रधानमंत्री के सामने उसे रखने का प्रयास किया और भारत सरकार लगातार मनन भी कर रही थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी भारत सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री जी के संपर्क में थे। हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी कोटा में फंसे छात्रों के बारे में विस्तार से मंत्रालय को और हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको संदेश भेजा था और उसी का परिणाम है कि अभी भारत सरकार का गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ जो बाहर बिहार के बाहर हमारे मजदूर हैं, छात्र हैं या अन्य वर्गों के लोग जो किसी न किसी कारण से फंसे हुए हैं उन्हें राज्य वापस लाने के लिए पूरे एक राष्ट्रीय स्तर का निर्णय हुआ है और इसका हम सब स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब जो एक रूपरेखा बनेगी, जो राज्य के बाहर हमारे बिहारी हैं वो कैसे बिहार जाएं, अपने घर जाएं, अपने परिजनों से मिलें, इसके लिए जो रूपरेखा बन रही है उसका लाभ आने वाले दिनों में बिहार के बाहर रहने वाले बिहारियों को मिलेगा। सर आप कह रहे हैं कि रूपरेखा बन रही है, तो क्या ये नहीं लगता है कि ये जो रूपरेखा का जो अवधि है, प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है? तो इतने
नहीं, मेरा कहना है कि लाखों की संख्या में लोग बाहर हैं, उन्हें हम किस तरह से लाएं, कैसे उन तक घर उन्हें घर तक पहुंचाएं, उनका क्वारंटाइन कैसे हो, ये कई चीजें हैं जिसको समग्र रूप से देखना पड़ता है और उसकी तैयारी में राज्य सरकार लग गई है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर, यह जो एक यक्ष प्रश्न था कि बिहार के बाहर के लोग कैसे अपने गांव तक पहुंचे, अपने घरों तक पहुंचे, और उसकी एक मुकम्मल व्यवस्था हमारी दोनों सरकार मिलकर करेगी। मुकम्मल व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट में ये जिक्र किया है कि साफ तौर पर बसों की जो है व्यवस्था बिहार सरकार उतनी बड़े पैमाने पर नहीं कर सकती है, और आप कह रहे हैं कि उनको लाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। ये देखिए, माननीय सुशील कुमार मोदी जी का जो बयान आया है उसको मैंने भी देखा है, तो ठीक है बिहार में बसों की कमी होगी, लेकिन भारत सरकार के सहयोग से जो संसाधन की कमी हमारे राज्य में, तो उन संसाधनों को पूरा करके या कोई उसका वैकल्पिक कोई समाधान ढूंढने का निश्चित रूप से हमारी राज्य सरकार प्रयास करे। अच्छा सर, ये बताइए कि कटिहार, तो बहुत सारे कटिहार का जिला की अगर मैं बात कर लूं तो बहुत सारे बॉर्डर उससे सटते हैं, और खास करके इस वक्त लॉकडाउन का समय है, बड़े पैमाने पर लोग जो हैं इधर उधर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में आपने जिस तरह से बताया कि आप सरोकार का काम कर रहे हैं, जुड़े हैं लोगों से, और क्या कुछ हो रहा है आपके क्षेत्र में, लॉकडाउन की पालन को आप लोग कैसे मुकम्मल में ला रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग, यही कई प्रकार की चीजें हैं जिनका अनुपालन करके जो मदद हम कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लोगों का, कटिहार के लोगों का, वो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए और हम कर भी रहे हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है। और हम ही नहीं, आज हमारे चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे प्रशासन के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, बैंक कर्मी हैं और सफाई कर्मी, आखिर वो भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो एक विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते हम भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ऐसे क्षण में जहां पूरा देश कोरोना के संकट से पीड़ित है, तो जिनका जनता के प्रति सीधा दायित्व है उन्हें जनता की सेवा, अपने को सुरक्षित रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, और भी जो समय समय पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जो एडवाइजरी दी गई है, उन एडवाइजरी का पालन किया जाए। अच्छा सर, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा, आप जिस तरह से जो कोरोना योद्धाएं हैं उनकी जिक्र आपने की है, कहा है कि उनका है, लेकिन आए दिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, मेडिकल स्टाफ पर हमला हो जा रहा है, डॉक्टर पर हमला हो जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से लोग निश्चित रूप से गलत है, और उसके लिए भारत सरकार ने कानून भी बनाया है, उस कानून का पालन किया जाएगा। और इस तरह के जो तत्व हैं जो चिकित्सकों पर हमला कर रहे हैं और भी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। और हम तो कटिहारी नहीं, हम तो सब तमाम नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि पुलिस कर्मी, हमारे जो सरकारी, हमारा जो सरकारी तंत्र है जी, जो हमारे एनजीओज हैं, जो लगातार अलग अलग स्वैच्छिक संगठन हैं, सब जनहित में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को काम करने का अवसर देना चाहिए। अभी किसी पर हमला करना, किन्हीं को प्रताड़ित करना करने का वक्त नहीं है, अभी वक्त है कि देश कैसे कोरोना से सुरक्षित हो। और मुझे खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां इतने सारे विकसित देश कोरोना वायरस से परेशान हो गए हैं, बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, वहां भारत तो विकासशील देशों की श्रेणी में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो संसाधन है, प्रकृति ने जो हमें कुछ चीजें मुहैया कराई है, उस
और सरकार ने जो बंदोबस्त किया है देश के नागरिकों के लिए, उससे दूसरे विकसित देशों से भारत कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका जो क्षेत्र है कटिहार, बहुत सारे मजदूर जो हैं क्षेत्र से बाहर जाते हैं, यूँ तो बिहार के तमाम ऐसे जिले हैं जहां से मजदूर बाहर जाते हैं, पलायन की समस्या बिहार में शुरू से ही रही है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर मजदूरों की मैं बात कर लूँ तो इस वक्त मजदूर जो है, आप तस्वीर से पहले भी देखे होंगे आपने कि किस तरह से मजदूर जो है पैदल ही वापस लौट रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं। मजदूरों को लेकर के क्या खास आप इस पर कहना चाहेंगे, क्या कुछ उपाय उनके लिए कर रहे हैं, खास करके अपने क्षेत्र के जुड़े जो लोग हैं उनसे कैसे आप बातचीत करते हैं, उनके समाधानों को आप किस तरह से हल करते हैं? जी मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि कटिहार जो है उससे बहुत सारे मजदूर बाहर जाते हैं, और बाहर में जिस तरह से बिहार में शुरू से ही तो पलायन की समस्या रही है, और कटिहार से बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो बाहर में रहते हैं, उन मजदूरों के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे बातचीत होती है उनसे? तो भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके आलोक में और जो मापदंड है भारत सरकार ने निर्धारित किया है, उस मापदंड के अनुसार जो हमारे बिहारवासी जो बाहर हैं उन्हें लाने का मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी, हम सब मिलकर करेंगे। जो यह संकट है, जरूरत इस बात का है कि हम सब मिलकर उसका सामना करें। कोरोना वायरस का जो संकट है वो एक सामुदायिक प्रयास से ही कोरोना वायरस का हम खात्मा कर सकते हैं। सरकार, जनता, प्रशासन, शासन, हम सबों को, जनप्रतिनिधि, हम सबों को मिलकर काम करने की जरूरत है, और मिलकर हम सब कर भी रहे हैं। इसी का कारण है कि आज भी भारत अन्य देशों से कहीं कहीं बहुत ज्यादा बेहतर है। तो साफ तौर पर ये देखिए कि जिस तरह से विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कटिहार का क्षेत्र ये देखते हैं, तमाम जो बातें हैं इन्होंने रखी, और खास करके राजनीतिक मुद्दे पर ये हमेशा से सक्रिय रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने लोगों में से ये आते हैं अपने क्षेत्र में, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनकी रूपरेखा ये खुद से स्वयं से तैयार कर रहे हैं। कोटा विवाद हो या फिर मजदूरों को लेकर के जो भी बातचीत इस वक्त चल रही है, साफ तौर पर इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइंस जारी किए हैं उनका लोग पालन करें, उनके पालन के प्रतिरूप आए। लेकिन जिस तरह से आए दिन ट्वीट के जरिए से जिस तरह से बिहार के सियासी राजनीतिक में इस वक्त कुछ नया बदलाव आया है, उसमें सवाल तो बिल्कुल लाजमी है, और सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि ठीक विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर जो सरकार है या सरकार में जुड़ी पार्टियां हैं उसको पूरी तरह से फ्रंट पर ला करके खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो नेताजी बोलिए में कल फिर और हम किसी और नेताजी को आपके सामने लाएंगे, सरकार की बात भी करेंगे, जनता से जुड़े सवाल भी करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है उस पर इनका क्या कुछ विचार है, और लॉकडाउन को लेकर के इन लोगों का क्या कुछ कहना है। बोले नेताजी में कल फिर और किसी से होगी मुलाकात, तब तक मुझे और मेरे तमाम टीम को दीजिए इजाजत, और अगर आपने अभी तक द एसजी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार।